आज मैं आपके समय शेयर कर रही हूँ तिल टमाटर की चटनी। उसके लिए मैंने पैन को गर्म कर लिया है, उसमें मैंने ऐड कर दिया है ये सफ़ेद तिल। इसको अब हम इसे मिलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप तिल फ्राई करते वक्त इसे लगातार आप चलाते रहिए, अगर हम इसे चलाना छोड़ देते हैं तो पैन में नीचे की तरफ जलना स्टार्ट हो जाता है तिल, तो उसके लिए आप इसे चलाते रहिएगा। ये देखिए चलाते चलाते मैंने इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन कर लिया है, यानी कि ये लगभग फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और उसी पैन में हम एक चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करते हैं। उसमें ऐड करेंगे दो साबुत सूखा लाल मिर्च, इसे हम तोड़ के इसमें डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच करीबन अदरक का टुकड़ा। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा इसे हम ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। इसका कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर, ये मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर। उसके बाद एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स होने के बाद हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। टमाटर मैंने मीडियम साइज़ का 3 टमाटर को कट कर लिया है रफली, बारीक काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही काट के डाल सकते हैं। तो इसे मैं एक बार टॉस कर लेती हूँ और इसे चलाते हुए हम पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून स्वाद के अनुसार नमक। नमक ऐड करने के बाद एक बार इसे अच्छे से चला दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। फ्लेम को मैंने पूरा हाई रखा है और हाई फ्लेम में इसे पकाना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी। उसके बाद एक बार चला देते हैं और हम इसे ढक के पकने के लिए रख देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। हाई फ्लेम में ही पकाना है। 2 से 3 मिनट बाद मैं इसे चेक करती हूँ। ये देखिए अच्छा खासा उबल चुका है, ये सॉफ्ट भी हो गया हमारा टमाटर बिल्कुल। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे पीसेंगे। तो बड़ा सा मिक्सर जार लेंगे, उसमें हमने ऐड कर दिया है ये तिल और इसका हमें फाइन पेस्ट बना लेना है बिना पानी ऐड किए। तो यहाँ पर मैंने तिल को पीस लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये ठंडा किया हुआ टमाटर। तो टमाटर में ऑलरेडी पानी है तो हमें इसमें पानी ऐड करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है ये तिल टमाटर की चटनी। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब मैं आपको ये चटनी सर्व करके दिखाती हूँ देखने में कितना अच्छा लगता है। तो आप ये चटनी पकोड़े के साथ, मोमोज के साथ या फिर दाल चावल बनाया है आपने तो उसमें ये चटनी ऐड कर सकती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें।